वैसे सरगम जी, यहाँ पे अगर आप शादी कर रहे हैं तो वो सहरा वगैरह जो मिलता है, और यहाँ पर शीतल शुद्ध पीने का जल जो यहाँ पे कभी मिलता नहीं है। और भैया कैसे हैं? यहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, आपको पता है। आप और इनकी चाय। आप जूते उतारने पड़ेंगे मंदिर। वैसे सरगम जी, ये चांदनी चौक का सबसे प्राचीन मंदिर है, मतलब और यहाँ पर हम बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं। वाओ, आपको पता है मुझे बूंदी का प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है। जब मैं छोटी थी ना, तो हमेशा खाने के लिए आती थी। अच्छा, क्या बात है, मतलब हमें नहीं पता था कि आपको यहाँ की चीजों से इतना प्यार है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ की चीजों से इतना प्यार है। चलिए अब पता चल गया कि आपको यहाँ की चीजों से कितना प्यार है। जय हो। बच्चों, हमें तुम्हारे अंदर भक्ति भावना तो देख रही है, लेकिन प्रेम भावना वो हमें कहीं छोटी दिख रही है। God is talking? After very long, सरगम जी, लगता है बजरंग बली जी प्रसन्न हो गए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जीते रहो बेटा, हम जानते हैं कि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो, लेकिन जहां तुम सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हो वहां वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो झूठ है, छलावा है। और आजकल की भाषा में बोले तो प्रेम के नाम पे लाली पाप है। बजरंगबली जी, शांत शांत बच्चा, शांत। अभी हम तुम्हें अधिक विस्तार में नहीं बता सकते, और तुम्हें एक बात समझा सकते हैं कि जहां तुम ये प्यार ढूंढ रहे हो वो प्यार नहीं, मृग तृष्णा है, और इससे तुम्हें दूर रहना होगा, बल्कि तुम्हें सच्चे प्यार की ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे, उसकी राह में चलना होगा। जी जी बजरंगबली जी। कहीं हनुमान जी पंचम जी को इलायची से दूर रहने की एडवाइस तो नहीं दे रहे? और बच्चा, तुम्हारे सही मार्गदर्शन के लिए हम तो है ही यहां पर, क्योंकि लाइफ में एक सेकंड में आते हैं सरगम जी। इलायची, ये क्या कर रही थी तुम बेबी? ह्यूमर भी खेल रही हूँ जानू। वो क्या है ना, कल रात को मैं ना प्रैंक वीडियो देखी थी, तो सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ। Oh God, पता नहीं मेरी शरारतें कब जाएंगी, कितनी बड़ी हो गई हूँ मैं। Oh my God. Oh God, इलायची, you're so naughty. हमें तो लगा हनुमान जी सच में हमसे बात कर रहे हैं। उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि ऊपर वाले से ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही बात कर सकती हो तुम। और ये क्या सरगम, तुम्हें घूमना ही था, मंदिर आना था, तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें घुमा देती। और कितना घुमाएंगी आप? जूते मत भूलिएगा। जानू बग बाबू, प्रसाद तो लेते जाओ। ये जानू भी ना मेरे प्रैंक्स कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या है ना, सिंपल से है, स्वीट से है, क्यूट से है, और पता है सबसे स्पेशल बात, दैट ही ओनली लव्स मी। सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। या देख बेटा, ये हमारे हिंदुस्तान के सीरियल है ना, है ना, तो इसमें यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छी तरह से दिखाए जाते हैं बेटा। सिर्फ संस्कार है और कुछ ना है, देख रही है।
चुनी। जल्दी जल्दी ऊपर चल वरना तुझे सीढ़ियों से धक्का मार दूंगी। What is कुलक्षिणी? संस्कार है बेटा और कुछ राय तरफ संस्कार है। संस्कार है बेटा और कुछ ना है ये। आ गया मेरा छट्टू। जीजा जीजा यार आज मेरे बहुत मूड खराब है यार मेरे। क्या हुआ? अरे यार मैं बाहर घूम रहा था एक मोटर बाइक वाला मेरे गले से चैन छीन के ले गए। हिम्मत तो देखो यार इसकी यार मेरे ना। तो तू भी तो मेरा सुख चैन छीन चुका है। मीनिंग? अरे मतलब बेटा देखो साला है ना ये तो मजाक ना करो तो बुरा मान जाता है। बुरा मानता है तू? बुरा मानता है ना? जीजा यार मेरा देख मेरा गला कितना सूना सूना लग रहा है यार मेरे। दो चार दिन के लिए अपने चैन दे देगा तो अच्छा लगेगा मुझे। दे दे। अरे कैसी बात कर दी तूने? देखो ये भी बच्चों वाली बातें करता है। ऐसी का बात ले। ये ले आराम से पहन ले है ना। और सुन अगर दोबारा तू ऐसे मेरे सामने शर्माया कोई चीज मांगने में तो इसी चैन से तेरा गला दबा दूंगा। समझ रहे? दोनों के प्यार को किसी की नजर न लगे मेरे तो भाग ही खुल गए। सदा सुहागिन रहे। संस्कार बेटा और कुछ ना है। वेरी क्यूट। वैसे छिटंकी मामा जी आप काम क्या करते हैं? बता। बस दो दो चार शौक पाल रखे हैं मैंने। ये शौक पालता है और मैं ऐसा पालता हूं। अब तुम बताओ ना सरगम तुम्हारे क्या शौक है? आई मीन क्या हॉबीज है तुम्हारी? हाँ बेटा तू बता तेरे क्या क्या शौक है ना बता दे बेटा। वेल आई लव टू डांस। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। आप अभी तक डांस करती है? ना ना ये ना करती पहले करती थी तो पहले जब ये नाचती थी ना तो एक बार एक आदमी इसके पैर के नीचे कुचल गया तब से सरकार ने इसके नाचने पे मैन लगा दिया है। संस्कार है बेटा और कुछ ना है। संस्कार है। इन दोनों की छोड़ो मैं तो कह रही हूँ कि तुम हमें डांस करके दिखाओ ना। मैं म्यूजिक लगाती हूँ रुको। हाँ बेटा डांस दिखा दे डांस दिखा दे अच्छा लगेगा ना। हम भी तो देखे हैं हम भी तो देखे भाई हमारी बिटिया कैसे डांस की है। दिखाओ दिखाओ बहुत अच्छा लगेगा दिखाओ। कर रही है यार? अरे क्या कर रही है यार? अब इस तरह से हमें खींच के क्यों ला रही है? हम कोई गाय भैंस है क्या? क्या किया हमने? क्या किया? प्यार का नाटक मेरे साथ किया और कूद कूद के नाच रहे थे उस सरगम के साथ। क्यों? क्या बोल रही हैं आप? ये प्यार का ड्रामा करने के लिए आपने कहा था हमारा तो मन भी नहीं था। हाँ प्यार का ड्रामा करने के लिए कहा था मेरे साथ ना कि कदम से कदम मिला के ठिर रखने के लिए ऐसे उस सरगम के साथ। क्या मतलब नई लड़की देखी नहीं कि जबान इसे फिसल गई बाहर आ गई और इस बॉडी में करंट दौड़ने लगा बेशरम। अरे ये क्या बोल रही है यार आप? हम इस प्रकार के आदमी नहीं है समझी? और ये फालतू के इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। हद है यार उन्होंने आके बोला हमसे नाचने के लिए तो हम नाच लिए क्या करें हम? अच्छा नेक्स्ट टाइम आपका हाथ मांगेगी और कहेगी कि चलो पहाड़ी से कूद जाते हैं तो कूद जाओगे? अरे लेकिन आपको लेना देना क्या है यार? आप हमसे इतने सवाल पूछ क्यों रही है? आपका क्या हक है? आप हमारी बीवी है क्या? क्यों कर रही है आप हमारे साथ ऐसा? सिर्फ बुबू कर सकती है हमारे साथ ऐसा। बीवी ना सही
लेकिन गर्लफ्रेंड का रोल तो प्ले कर रही हूँ ना यहाँ पर, सरगम पे क्या असर पड़ेगा? गर्लफ्रेंड होने के बावजूद, मतलब इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों पे राल टपकाता फिर रहा है, छेड़ रहा है उन्हें, उन पे लाइन मार रहा है, व्हाट इज दिस? देख बहन, बहन नहीं बोलना। ओके, आप समझ नहीं रही है यार, अब हम अपनी औरत से प्यार नहीं करते, पराई लड़की पे कैसे लाइन मारेंगे, क्यों छेड़ेंगे हम? वो तो मौका नहीं मिला, वरना छेड़ भी देते। कान खोल के सुन लो कि सुधर जाओ, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। मेरे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करोगे, मैं पहले बता दे रही हूँ, सिर्फ मुझसे बात करोगे। क्या ये सब, ये क्या नाटक कर रही हैं आप? क्या हुक्म क्यों चला रही हैं आप? हमारी मालकिन है क्या आप? क्या ये सब, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है हम? प्रॉपर्टी ना सही, लेकिन मेरे पापा क्या काम तो करते हो ना, तो इस हिसाब से आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा और सिर्फ मुझसे बात करो। हेलो, हम आपके बाप के नौकर हैं, आपके नौकर नहीं है। अदा यार, और जाइए, जो करना कर लीजिए, हम सरगम जी से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, प्यार हो गया उससे? हाँ हाँ, हो गया प्यार, अच्छी लगती है हमें, आनंद आता है हमें अंदर से उनसे मिलके, उनकी बातें अच्छी लगती है, उनकी चाल अच्छी लगती है, उनका सब कुछ अच्छा लगता है। क्या कर लेंगे आप, उनसे शादी भी करेंगे हम, 11 बच्चे करेंगे उनके साथ, 11 साल नहीं 10 साल में करेंगे, 2 जोड़ी वाले करेंगे, समझे आप? भगवान, अरे लाठी लेके भालू आया, छम 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 ढोल बजाते। चुप रे भाई, क्या हो गया? अबे किसने फोड़ दिया तेरा खोपड़ा? अरे भाई, जिसने फोड़ना था उसने फोड़ दिया। ये एलआईसी जी का ना दिमाग खराब हो गया, बौखला गई है भाई, हमारे सर पे गमला दे मारा यार। क्या बात कर रहा है यार, एलआईसी जी ने तेरे सर पे गमला दे मारा, कमाल है। और क्या यार भाई, जब मैंने पहली बार इस लड़की को देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि इस लड़की की वायरिंग हिली हुई है भाई। बताओ यार, कोई ऐसे करता है, हमारी जिंदगी में ना राहु केतु बन के बैठ गई है यार। ना ना देख पंचम, तू गलत समझ रहा है यार, इलायची ऐसी ना है, मैं जानता हूँ, अगर तुझ पे कोई मुसीबत आ जाए भाई, तेरे सामने चट्टान बन के खड़ी हो जाएंगी, तुझ पे आंच ना आने देंगी, इतना चाहती है तुझे। अरे भाई, इतना चाहती है उसी से तो परेशान हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी की सरदर्दी बन गई है यार, इस तरह से बात करती है, इस तरह से हक जमाती, जैसे कि मेरी बीवी हो भाई। बीवी तो है। क्या बोल रहा है यार, मैं कह रहा था कि अगर तू चाहेगा तो बीबी भी बन सकती है। तू साले दोस्त के दुश्मन, जो लड़की तेरे भाई को ऐसे बिल्ली की तरह नोच रही है, सर पे गमले दे मार रही है, तू मतलब भाई मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, समझा? अरे प्यार करती है तो नोच भी लेता। पंचम जी हाय, ओह माय गॉड, हेलो सरगम जी, आपको ये चोट कैसे लगी? जी वो बताइए, दरअसल इलायची से हमारा झगड़ा हुआ और उसने हमें मारा। ओह गॉड, इलायची इतनी वायलेंट है, देखकर तो बिल्कुल नहीं लगती। देखने से तो वो मासूम भी लगती है, पर है नहीं। दैट्स नॉट राइट पंचम जी, मुझे लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कौन सा स्टैंड, कपड़े सुखाने वाला या साइकिल वाला? I'm sorry पंचम जी, पर मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से कुछ खुश नहीं हैं। Am I right? Yes. I'm unhappy. हम बहुत ना खुश हैं। फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड क्यों नहीं कर देते? अब सरगम जी आपको क्या बताएं यार, हम देखिए हमारी जिंदगी इस समय बहुत उलझी हुई है, आप बस इतना समझ लीजिए कि सेठ जी के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। दैट्स ओके, माना आप उनके नौकर हैं, पर जिंदगी भर उनकी गुलामी थोड़ी ना कर सकते हैं, आपको आपकी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। And I'm sure, अगर आप अंकल जी को बताएंगे ना तो वो आपका साथ जरूर देंगे। Trust me, वो संस्कारी है। No. दरअसल क्या है कि वो चाहे जो भी हो जाए अपनी बेटी की साइड लेंगे, एलआईसी जी की साइड लेंगे, कोई फायदा नहीं है।
डोंट वरी, मैं आपके साथ चलूंगी। बस आपको एक लाइन में इतना कहना है कि आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। डोंट थिंक टू मच, आपको आपके दिल की बात कहनी चाहिए। ये सरगम के बच्चे तो मरवा के मानेगी, इससे पहले पापा के पास जैसे जाए मुझे पापा से बात करनी होगी, इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। मम्मी देखो वो जीजा जी ना, वो जीजा जी यहाँ। क्या क्या हुआ, नौकरी छोड़कर भाग गया क्या? देखा देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि उसे मत सताओ, बेचारा गरीब आदमी, पर तुम लोगों ने मेरी सुने ही ना। अरे आप दोनों अपनी ट्रिप पे निकल जाते हो, कहीं नहीं भागे हैं जीजा जी। तो फिर तुझे उसके नाम की हिचकी क्यों आ रही है इतनी? क्योंकि जीजा जी मुझसे बोल रहे थे कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नाटक नहीं करेंगे मेरे साथ, और यही बताने के लिए आ रहे हैं आपको भी। मना कर दिया, लेकिन बात क्या हो गई? अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो सरगम की टेंशन है, अगर उसे सच पता चला तो जितना ट्रस्ट करना उसने सीखा ना वो सब खत्म हो जाएगा पापा। अरे लेकिन बात तो बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं, वो तो बस जीजा जी के साथ मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया। छोटा सा? कितना छोटा? एकदम चीनी मिनी सा झगड़ा। उसमें एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर मेरा थोड़ा सा हाथ तोड़ गया। थोड़ा सा हाथ? मतलब कितना हाथ? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गमला उठा के दे मारा मैंने। हराम, अरे पंचम मर तो ना गया? कैसी लड़की है, गमला उठा के दे मारा इलायची के पापा? देखो बड़ी अजीब। ओहो तू भी हद करती है एकदम है, गमला उठा के तूने मार दिया, अब तेरे साथ नाटक कैसे करेगा? अरे मुझे बाद में डांट लेना ना, पहले वो सरगम का सोचो, अगर उसे सच पता चल गया तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो। सेठ जी हम अंदर आ सकते हैं? हम आ गए। सेठ जी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ना कर पाऊंगा बात, मुझे नींद आ रही है, कल बात करियो। नहीं सेठ जी हमें अभी करनी है। मैं सो रहा हूँ, मैं ना कर पाऊंगा बात। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको देख सकते हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप नहीं सो रहे हैं, प्लीज सेठ जी हमारी बात सुन लीजिए एक बारी के लिए। लेकिन मैं सो रहा हूँ, मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, मैं ना कर पाऊंगा बात। सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बारी हमारी बात तो सुनिए, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा तू जा यहाँ से, कल बात करियो, बेकार की बात कर रहे हैं। प्लीज सेठ जी एक बार। अंकल जी बात बहुत सीरियस है, प्लीज पंचम जी की बात सुन लीजिए ना। हाँ बेटा बता। पापा हम इलायची से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू बेटा, अभी तो तेरा इलायची के साथ पहला जन्म है, समझ रहा है तू, अभी तो 7 जन्म और बाकी है। देखिए पापा जिस तरह उनका हाथ चलता है ना, एक जन्म एक साल में खत्म कर देंगे वो, और ये जीवन मृत्यु के जाल में फंसे रह जाएंगे हम। अरे कैसी बातें कर रहा है तू बेटा, ये देख ये गमला सर पे देके मारा है उन्होंने। अरे दे 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 दे, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात सुन। देखिए प्यार मोहब्बत में ये छोटी मोटी नोक झोंक, ये हाथापाई चलती रहती है ना। अब करू को देख ले, दिन में मेरे 2-3 थप्पड़ ना मारे तो मेरा दिल ना कटता है ना। करू खुश रह, खुश रह, संस्कार है बेटा और कुछ ना है, समझ रहे तू। अभी थोड़ी देर पहले करू ने मेरे 2 थप्पड़ मारे तब जाकर मुझे नींद आई है ना। करू कुछ ना, कुछ संस्कार है बेटा और कुछ ना है, तो इस मार में ही प्यार छुपा है बेटा। देखिए हमें इस तरह का मार धाड़ वाला प्यार नहीं पसंद है, जहाँ पे हमें रोज एम्बुलेंस बुलानी पड़े। प्लीज सेठ जी। अरे इलायची तुझ पे जान दे सकती है। देखिए फिलहाल वो हमारी जान लेने पे तुली हुई है, प्लीज पापा प्लीज समझिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज। अरे लेकिन तू मेरी बात तो सुन टन। पापा नहीं हो पाएगा, पापा नो मीन्स नो, प्लीज पापा प्लीज बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझ सकते हैं हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, वो क्या बोलते हैं उसे, पापा नो मीन्स नो, इट्स ओवर। चलो लाइफ में टंटे हो रखे हैं।